नमो नारायण जी। मित्रों, बात करेंगे आज चंद्रमा के रत्न मोती के विषय में। मोती का रत्न क्या खास बात है मोती में, मोती का रत्न आपकी कुंडली में क्या रोल प्ले करते हैं और आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों एक मोती का रत्न जिंदगी बदल सकता है। यकीन मानिएगा, मोती अपने आप में खास क्यों है। सबसे पहले मोती की बात करें तो मोती दो प्रकार के आते हैं। एक मोती आता है साउथ सी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, और नंबर दो पे मोती आता है बसरा का। बसरा का मोती बहुत महंगा होता है। मोती किसको पहनना चाहिए? दोस्तों मोती सबसे पहले जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हाइपरनेस रहती है, जैसे आप नोट करेंगे, जैसे जिनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, जो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो जिनके अंदर नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा आते हैं, जैसे मेरा तो ये काम बनेगा ही नहीं, मेरा तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा, लेट हो गया, बस नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, फ्लाइट छूट जाएगी, टाइम पे जा रहे हैं, बावजूद इसके उनके माइंड में ऐसे ख्यालात आते हैं। आपने नोट किया होगा, बहुत सारे लोग जैसे अपॉइंटमेंट ले ली या दे दी किसी को, तो उस डेट तक वो परेशान रहते हैं। मान लीजिए आज 1 तारीख है और आपने 10 तारीख की किसी को अपॉइंटमेंट दे दी या ले ली, तो वो बीच के जो 8-9 दिन का टाइम है, उनको नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है कि हाय वो 10 तारीख की अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ पहुँचना है, कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, मिल पाऊँगा कि नहीं मिल पाऊँगा। दोस्तों ऐसी सिचुएशंस बहुत सारे लोग जिनको ब्रेन की परेशानी है, कोई चीज़ें रख रख के भूल जाते हैं बार बार, याददाश्त की बहुत कमी हो रही है, बहुत बार रट्टा मारते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं होता, या फिर ऐसे लगता है कि मैंने इस चीज़ को पहले कहीं देखा है लेकिन वहाँ वो गए नहीं होते, लेकिन उनको फील होता है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। बार बार रिजेंबल होती है चीज़ें, बार बार जिनके माइंड में ख्यालात चेंज होते रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, जैसे कि आप लाल बत्ती पर खड़े हैं, आप मान लीजिए चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 17 में लाल बत्ती पे खड़े हैं, जब 5 सेकंड रह जाते हैं तब आप क्या करते हैं, बत्ती तोड़ देते हैं, आप रेड जंप, जो रेड लाइट है उसको जंप कर लेते हैं, आपका चलान हो जाता है, या आप कोई ना कोई ऐसी लास्ट मोमेंट में पैशंस को खो देना, मतलब चंद्रमा कमज़ोर है, यानी आपको मोती की सख्त ज़रूरत है। मोती यदि आपके अंदर पागलपन के हालात आ रखे हैं, या आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, आपका टैलेंट आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, खास करके चंद्रमा, देखिए पिता पुत्र का संबंध है बुध और चंद्रमा का। अगर मोती की मैं बात करूं तो मोती को दोस्तों चांदी के रत्न में धारण करना चाहिए। चांदी शुद्ध चांदी हो, पवित्र चांदी के अंदर धारण करके सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। शुभ के चौगड़िया में करें, लाभ के चौगड़िया में करें, रात्रि काल को चांद को देख के करें तो उसका तो आनंद ही कुछ और है, या तारों को देख के करें। इसमें विशेष रूप से चंद्रवार यानी सोमवार का दिन ही दोस्तों विशेष रहता है। दूसरा दोस्तों मैं बताऊंगा, इसके अंदर चाइनीज मोती बहुत आते हैं, प्लास्टिक के मोती बहुत आ गए हैं, 200-400-500 रुपए की रेंज में दुनिया भर के मोती अवेलेबल हैं। मत पहनिए ऐसे मोती। अगर दोस्तों मोती पहनना ही है आपने, तो मोती को हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा रहता है, ध्यान से देखिए, ये साउथ सी का मोती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का पका हुआ हैवी मोती होगा, छोटा सा मोती होगा, बिल्कुल चने के दाने के समान इतना, तो उसका 5 कैरेट से ऊपर का वजन जाएगा, बड़ा हैवी होगा, हाथ में लोगे तो फील करोगे कि वजनदार मोती है। दोस्तों मोती बढ़िया शानदार रिंग में, बढ़िया शुद्ध चांदी में बना करके राइट हैंड की चीची उंगली में ही पहनना सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी रहता है। दोस्तों मोती वाले व्यक्तियों के लिए मैं और ख़ास बता दूँ, जैसे जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जैसे जैसे आपने नोट किया होगा, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, जैसे जैसे चांद की रोशनी बढ़ती है, आप नोट कर लेना, ये परफेक्ट बता रहा हूँ। कुछ लोग उल्टा बताते हैं इसका, कि अमावस्या आती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, नहीं, जब मून जितना बढ़ता है, जैसे जैसे चांदनी रातें बढ़ती हैं, उनका हाइपरनेस बढ़ती जाती है, और जैसे जब फुल मून होता है, तो पागल खाने के लोग भी दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की नीड होती है पूर्णिमा के टाइम के अंदर, ना कि अमावस्या। जैसे जैसे अंधेरे दिन जाते हैं, कूल डाउन होते रहते हैं, स्ट्रेस फ्री होते रहते हैं, पानी भी नीचे बैठता रहता है, जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर आता है, जैसे जैसे धरती, आप देखेंगे जब रोशनी ज़्यादा बढ़ेगी तो समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ता है, पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसी तरीके से हाइपरनेस भी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता है।
तो ऐसे सिचुएशंस वाले लोगों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए और मोती रत्न पहनना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, आप देखिएगा, एक साइंस कहती है कि जो हमारे नाखून हैं, जो हमारे बाल हैं, ये हमारी जो स्किन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी रात के समय में बढ़ती हैं। जब हम सो जाते हैं या रात का टाइम होता है तो चंद्रमा इनको बढ़ाता है। जो हमारे नेल्स हैं और जो बाल हैं, खास करके मून की वजह से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मून रात्रि काल में अपना ज़्यादा काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो संपर्क है ब्रेन का, हमारी बॉडी में 80% आई थिंक 77+80% समथिंग वाटर जो है वो पूरा चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं पानी की मात्रा अगर परफेक्ट रहेगी और मोती रत्न अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। हाँ, एक बात बताऊँ तो नज़र अगर बहुत ज़्यादा लगती है तो काला मोती भी आप पहन सकते हैं, ब्लैक मोती। नज़र की परेशानियाँ ज़्यादा हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर काम में अड़चनें आ रही हैं, छोटी छोटी अड़चनें, जैसे बनते बनते लास्ट मोमेंट में रुक जाता है, तो चंद्रमा क्या है, ब्रेन का कारक है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। तो चंद्रमा का मोती अगर आप पहनते हैं तो आपको डिसीजन बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, करना है या नहीं करना, यस और नो। जो बीच में फंस जाते हैं कुछ लोग, वो गलत है। क्या करते हैं, करूं कि ना करूं, आज बॉम्बे जाऊं कि ना जाऊं, फ्लाइट आज की लूं कि कल की लूं, मेरे नंबर इतने आ जाएंगे कितने आएंगे, पढ़ाई करूं कि ना करूं, बिजनेस ये वाला करूं कि ये वाला, तो डबल माइंड होना। दोस्तों, मोती रत्न आपको बनाता है वन साइडेड, यस और नो। तो दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर भी आप, इन लोगों को भी मोती बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कम बोलते हैं, गुस्सा ज़्यादा है, उन लोगों के लिए मोती बहुत अच्छा रहता है। मोती पहनिए, मोती अपने आप में दोस्तों बहुत खास होता है, मोती अपने। हाँ, एक याद आया बात, शनि की साड़सती, जो शनि की साड़सती या शनि की ढहिया चल रही है, वो लोग एक बार आपको ये जो साउथ सी का मोती है जरूर एक बार धारण करें, या बजट की दिक्कत नहीं हो तो बसरा का मोती पहने। तो दोस्तों, ये मोती के खास उपाय थे, खास बातें थी। आपको हो सकता है बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा चैनल दोस्तों एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण, नारायण भविष्यवाणी और नारायण गुरुजी के नाम से, या नारायण एस्ट्रो इंडिया के नाम से जो हमारे चैनल्स हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे जहाँ वीडियो आपको दिखाई दें वहाँ लाइक कीजिएगा और इसको और लोगों को बताइएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात इसको आप कॉपी, लिंक को कॉपी करके भी आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका दोस्तों लाभ मिल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको। और दोस्तों, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, या आपको मोती आपकी कुंडली में कितना कारगर है, आपको कितना फ़ायदा देगा कितना नहीं देगा, आप कुंडली मुझसे दिखा करके या अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके, फेस रीडिंग करा करके आप पहनना चाहते हैं, तो जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन पे, यूट्यूब स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 90116 और पेंटा 4 यानी 90116 पेंटा 4, ये जो नंबर है दोस्तों, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। जो फीस का प्रोसीजर है वो पे करके दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत जल्दी आपको मैं दूसरा भी किसी एक अच्छे किसी विषय के साथ में बनाने की कोशिश करूँगा। नमो नारायण दोस्तों, आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नारायण जी, नारायण जी।